पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि स्थानीय थाने में तैनात दरोगा ने कार्यालय में घुसकर अभद्रता की है, वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस के आला अधिकारियों से करेंगे। बताया कि दरोगा ने कंप्यूटर और कागजात भी चेक किए। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के कार्यालय में घुसकर एक दरोगा ने उनके कंप्यूटर को खंगाला और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले से खफा सांसद ने कहा कि वे दोनों पुलिस कर्मियों की शिकायत चुनाव आयुक्त, लोकसभा के विशेष अधिकार समिति और पुलिस अधिकारियों से करेंगे। देखिए, मेरा ऑफिस है, यहाँ कंप्यूटर हर वक्त चलते रहते हैं। इलेक्शन चल रहा है, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है कि हमारा वोट कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो देख के बताया जा रहा है। मेरे अपने घर की पूरी पर्चियाँ नहीं आई हैं, वो पर्चियाँ मैं निकालने के लिए मैंने इनसे कहा था। एक शख्स जो 2-स्टार सब इंस्पेक्टर लग रहा था, सोहित सिवाल नाम है उसका, वो आके डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में घुसा बगैर किसी की इजाज़त के। एक सांसद का ना तो उसे प्रोटोकॉल मालूम है, ना ही उसे तमीज़ है। घुसने के बाद जब उसको मना किया गया तो उसने मिसबिहेव किया मेरे स्टाफ के साथ, और वीडियो बनाने लगा। जब मेरे स्टाफ ने वीडियो बनानी शुरू करी तो यहाँ से भागना शुरू हो गया। क्या किसी की पर्ची निकालना भी अपराध है? क्या किसी को ये बताना कि उसको कहाँ वोट डालना अपराध है? इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है मतदाताओं को? इसकी शिकायत इस शख्स की मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, DGP उत्तर प्रदेश और SSP उत्तर प्रदेश और DM उत्तर प्रदेश को करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस जिस तरह से ये लोग मिसबिहेव कर रहे हैं उसका संज्ञान लिया जाए और इनको पूरी तंबी की जाए, इसकी सजा मिलनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।